केजरीवाल के शीश महल पर सबसे बड़ा खुलासा। कभी गठबंधन में रहने वाली कांग्रेस ने खोल दी पोल। 45 नहीं 171 करोड़ खर्च कर बनाया गया शीश महल। आपकी मुसीबत बढ़ी, केजरीवाल के जवाब का इंतजार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। 2011-2012 में देशव्यापी अन्न आंदोलन के बाद 26 नवंबर 2012 को एक पार्टी का उदय हुआ, नाम रखा गया आम आदमी पार्टी। इसके बाद साल 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए तो तत्कालीन कांग्रेस सरकार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मोर्चा खोलकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा। हालांकि बहुमत नहीं मिला तो आखिर में कांग्रेस से ही गठबंधन करके आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई। ये पहली बार था जब केजरीवाल पलक झपकने से पहले ही पलट गए थे। इसके बाद तो ये सिलसिला लगातार चलता ही रहा और आम आदमी की जिंदगी जीने का दावा करने वाले कब रईसी वाली लाइफस्टाइल में आ गए पता ही नहीं चला। फिर तो एक से बढ़कर एक खुलासे होने लगे, कभी शराब घोटाला तो कभी सुकेश चंद्रशेखर मामला। इसी कड़ी में ताजा ताजा आया है शीश महल। जी हाँ, दिल्ली के कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वही घर जिस पर इस वक्त हंगामा मचा है, जिसे बनाने में लगा दिए गए हैं कुल 45 करोड़ रुपए। अभी इस 45 करोड़ की चर्चा चल ही रही थी कि एक और खुलासा हुआ जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया कि शीश महल 45 करोड़ में नहीं बल्कि 171 करोड़ रुपए में बना है। बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल अपनी साइज से बड़े कपड़े पहनते हैं, 1 रुपए की कलम रखते हैं और चप्पल पहनते हैं, लेकिन सच ये है कि उनका महल 45 करोड़ नहीं बल्कि 171 करोड़ में बना है। मैं नए खुलासे के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। ये मात्र 45 करोड़ का खर्चा नहीं है, केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए, केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ। अजय माकन ने तर्क देते हुए बताया कि केजरीवाल के मकान को फैलाने के लिए अधिकारियों के मकान गिराए गए और उन अधिकारियों के लिए CWG खेलगांव में 21 फ्लैट खरीदे गए जिनकी कीमत 6 करोड़ प्रति फ्लैट है। इस खर्च को भी केजरीवाल के महल के खर्च से जोड़ा जाना चाहिए। अब इस खुलासे के बाद देखना होगा कि आम आदमी पार्टी क्या कुछ बयान देती है, क्योंकि उनका तो दावा है कि सीएम आवास केवल रेनोवेट कराया गया और उनके अलावा कोई इस दुनिया में कट्टर ईमानदार है भी नहीं। ऐसे में कभी साथ में सरकार बनाने वाली कांग्रेस ने जिस तरह से शीश महल को लेकर बड़ा दावा किया है, उसका जवाब क्या होगा ये देखना होगा। फिलहाल सुनिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन सब बातों से बिल्कुल बेफिक्र किस तरीके से खुद को दुनिया का सबसे ईमानदार व्यक्ति बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूं तो फिर इस दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, अगर केजरीवाल भ्रष्ट है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस दिन आपको केजरीवाल के खिलाफ एक नए पैसे का भ्रष्टाचार मिल जाए, चौराहे के ऊपर खड़े होकर फांसी दे देना, लेकिन रोज रोज के नौटंकी करना बंद करो, रोज रोज के तमाशे करना बंद करो। आज मैं नए खुलासे के साथ में आप सब लोगों के माध्यम से दिल्ली की जनता को कुछ बताना चाहता हूं। ये मात्र 45 करोड़ का खर्चा नहीं है, केजरीवाल जी के महल पे मात्र 45 करोड़ नहीं खर्च हुए, केजरीवाल जी के महल पे 171 करोड़ रुपया खर्च हुआ। 171 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा, कोविड के समय में, ऐसे समय में जब दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन को तरस रहे थे, हॉस्पिटल्स को तरस रहे थे, हॉस्पिटल बेड्स को तरस रहे थे, गरीब आदमी खाने को तरस रहे थे, 171 करोड़ का खर्चा केजरीवाल जी के महल पे हुआ है, 45 करोड़ नहीं। और अब आपको बताता हूं ये 171 करोड़ रुपया कैसे। केजरीवाल जी का जो मकान है 6 फ्लैगस्टाफ रोड, इसके बाजू में 4 और मकान पड़ते हैं, 45 राजपुर रोड, 47 राजपुर रोड,
8 ए फ्लैगस्टाफ रोड, 8 बी फ्लैगस्टाफ रोड, इन सभी जगहों के ऊपर मिलाकर के 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स हैं और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली और 22 ऑफिसर्स फ्लैट्स में से 15 खाली करा दिए गए हैं या तोड़वा दिए गए हैं और 7 को के बारे में ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि अब ये दोबारा अलॉट नहीं होंगे, ये बहुत जल्द वेकेट होने वाले हैं। और अब जब ये 22 ऑफिसर्स जब फ्लैट्स की जब कमी हो रही है, उस कमी को भरपाई करने के लिए केजरीवाल साहब की सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में 21 फ्लैट्स टाइप 5 के 21 फ्लैट्स खरीदे हैं जिसकी हरेक की कीमत लगभग 6 करोड़ रुपया पड़ रही है। तो जो 21 टाइप 5 फ्लैट्स खरीदे जा रहे हैं ताकि ये जो 22 ऑफिसर्स के फ्लैट्स जब कम हो जाएंगे तो वो भी तो केजरीवाल जी के महल के अंदर उसकी कीमत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर केजरीवाल जी के मकान को फैलाया जा रहा है, बड़ा करा जा रहा है और ऑफिसर्स के फ्लैट्स गिराए जा रहे हैं, खाली कराए जा रहे हैं और उसकी भरपाई दिल्ली की जनता की जेब से जा रही है, तो इसका जवाब भी तो केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। और 126 करोड़ रुपया इसमें और 45 करोड़ रुपया केजरीवाल जी की खुद के महल को बनाने में, कुल 171 करोड़ रुपया इसके अंदर खर्च हुआ है।